बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई है। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया और लालू प्रसाद यादव के दावे पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीते कल आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिससे सियासत तेज हो गई। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगस्त महीने में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल में उनके कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर पाए थे, परिणाम सबके सामने है। कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीत हासिल की ये सभी जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी अगस्त की तारीख दी है, फिर दिसंबर और फिर अगले 5 साल की तारीख देंगे। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे, परिणाम सबके सामने। कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा? अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी NDA के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन NDA का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी NDA का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गौरतलब है कि आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को राजधानी पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।